मलिहाबाद गांव कुडरा खुर्द में पीड़ित व्यक्ति का नाम दीपू यादव है। आपको बता दें कि दीपू यादव को अकेला समझकर परिवार के लोग आए दिन मारपीट और जान से मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर जमीन के आसपास नजर आए तो हाथ पैर तोड़ देंगे, जबकि इनका आपस में सामूहिक रूप से फैसला भी हो गया था। पर दबंग नरेश पुत्र फकीरे उर्फ मुन्नू, सुनील पुत्र कोयली, राम सेवक पुत्र कोयली, रामधर कोयली, इतने लोग मिलकर के दीपू यादव पर जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित ने एक बार थाने में तहरीर दी थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। दोबारा जब दीपू यादव अपना मकान बना रहे थे तभी दबंग व्यक्ति नरेश पुत्र फकीरे और उनके सारे घर के लोग साथ में आकर कार्य को रुकवा दिया। पीड़ित व्यक्ति जब परेशान हो गया तब उसने यूएफटी न्यूज 24 ब्यूरो चीफ राम किशोर यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश को अपनी आपबीती बताई। तब यूएफटी न्यूज 24 की टीम मलिहाबाद थाने पहुंची। मलिहाबाद थाने के एसआई साहब ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया और कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा और आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी। तुरंत एएसओ साहब ने तुरंत दबंग व्यक्तियों को तलब किया और उन्हें कहा गया कि जिस जमीन पर विवाद है उस जमीन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और दबंग व्यक्तियों से ये कहा गया कि एक महीने का समय आपको दिया जा रहा है, एक महीने के अंदर आप कागज लाकर दो, अन्यथा जमीन पर दीपू का जितना हक है वो उसे दे दिया जाएगा। और कहा गया कि घर पर और उसके आसपास की जमीन पर दीपू का हक है और उस जमीन पर दीपू अपना काम करवा सकते हैं। और यूएफटी न्यूज 24 की टीम ने ऐसे साहब को धन्यवाद कहा और कहा कि ऐसे अधिकारियों पर गर्व होना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत न्याय दिलवाए। ये हमारा घर है जो पिताजी हमारे रहते रहे, 50 साल से ज्यादा हो गया हमारे पिताजी इसमें रहते रहे। अब जो घर गिर गया था, कच्चा हो गया, हमने पक्का उसको बनवाया, तो हमारे परिवार वाले कह रहे हैं जबरदस्ती हम घर बंटवा लेंगे, जबरदस्ती धमकी मारने के दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि खेत जमीन छोड़ोगे अपनी पुल के पास वाली, तब ये घर बनने देंगे ना, घर नहीं बनने देंगे। पुल वाले में आपका हिस्सा नहीं? पुल वाले में हिस्सा है हमारा, वो लोग कह रहे हैं तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे, हम जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती हमने ट्रैक्टर रोका सुबह चलाने के लिए, सामलाते हुए कि उसको बांट लो, उसके बाद ट्रैक्टर चला तो वो कहने लगे कि मसाला घर नहीं बने, काम नहीं होगा, घर छोड़ो तो अपना खेत लो, ना इसे बटेगा नहीं। मुकदमा पड़ा नहीं है, ये लोग फर्जी खाली ड्रामा बनाते हैं और मारने का धमकी देते हैं। अगली बार में फैसला हुआ था बाद में, तो प्रधान जी ने सब लोग गए थे, वो कहना कि जमीन जितनी है पड़ी रहने दो, सामलाती वाली जितनी वो साझे की है पड़ी रहने दो, इसके बाद कोई जोताएगा नहीं, ना हम जोताएंगे ना तो। लेकिन वो लोग माने नहीं, जबरदस्ती पहले उनको बोवा दिया था, उसके बाद में हमने ट्रैक्टर चलवाया अपनी जमीन पर, और वो वाले पे जिस पे साझे किए वो लोग आज ट्रैक्टर चलवाने उसी लिए रोका हमने। गाड़ी गिर जाएगी भैया, मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। हाँ, मारने के लिए धमकी दे रहे हैं कि घर नहीं बनेगा, ज्यादा करोगे मारपीट भी होगी। आए थे घर पे? हाँ, घर पे सब लोग चढ़ के आए थे, पूरा परिवार। कौन कौन थे? राम सेवक, उनकी दुलैन वाइफ, सब लोग आए थे। सब लोग आए? हाँ, उनकी लड़की भी आई थी, रामधार, राम सुनील, ये सब लोग आए थे घर पे चढ़ के हमारे। जान से मारने की धमकी? हाँ, मारने की धमकी दिया। अगले बार बाद में भी कहा था लाठी लेकर जाते तुमको मार गिरा देंगे, फकीर ने कहा था। ये आपके जो मकान है ये पुश्तैनी है ना? ये पुश्तैनी हमारा मकान, इसमें तो उनका हक नहीं? नहीं, उनका हक नहीं है, जबरदस्ती कर रहे, जबरदस्ती कर रहे, हमारा पुरखन से है ये, हमारे चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, उनसे रिपोर्ट बाता कर सकते हैं। आप बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ये है, दिक्कत कोई नहीं है, मकान तीन भाई, हम लोग हमारे बाबू तीन भाई थे, ठीक, तो बोले कि इधर बना लो, बोले इधर बना लो। चाचा है आपके? नहीं, ये भाई है। तो ये घर बना लिया, घर बना लिया, अभी हम बनाया नहीं है, घर है जब हम थोड़ा जब जब बना है ना, ये तो ये अपने बना रहे ना, ये अपने इनकी जमा जीवा जीवा है। अब साठ सत्तर साल का परिवार है, उधर चले गए परिवार वाले और उधर रह गए, मुझे यही लफड़ा किया, आप हिस्सा मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जमीन है प्रकार, लेकिन पुल के नीचे तो इनका भी हिस्सा था, तो पुल जब बना है तो खेती इसमें गई है, मुआवजा इसकी कुछ नहीं मिला है, ना इनको ना इनको, उनकी भी खेती थी वहाँ, उनकी भी खेती दोनों की थी, मुआवजा इसकी नहीं मिला है। भाई भाई लफड़ा, भाई बोले खेती छोड़ो, क्या हिस्सा दो। सही बात।